सरोज, अब हम लोग इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। वो अंतरिक्ष तो पूरा वैशी बन चुका है। हमसे बदला लेने की आग उसके दिल में इस कदर भड़क चुकी है कि अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस घर में रहते हुए मुझे हम दोनों के सर पर हर वक्त तलवार लटकती दिखाई देती। आज तो उसका वार नाकाम हो गया, लेकिन कल उसकी अपनी कोशिश क्या होगी, अगला वार क्या होगा, रुद्र मेरा तो सोच के ही मन डर जाता है। हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। नहीं, अंतरिक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं खुद उससे बात करूंगी। माँ, मुझे लग रहा है कि निहारिका जो कह रही है ठीक ही कह रही है। क्या ठीक कह रही है? क्या वो ये ठीक कह रही है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं? हाँ? नहीं, मैं अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटे से दूरी? माँ, पे क्या बात कर रही? बेटा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी और निहारिका की बातों में आकर तुम यहां से जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हो। अगर तुम यहां से चले जाओगे तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो ही जाएगा ना। फिर से सौरभ ने अपनी ममता का जाल रुद्र पर फेंकना शुरू कर दिया और रुद्र उसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। रुद्र, तुम्हीं ने मुझे अपने हक के लिए लड़ने के लिए हिम्मत दी थी। मुझे एक मकसद देकर तुम खुद अपना मकसद भूल रहे हो। कैसे बताओ रुद्र कि इस मकसद की आग में वो तो अपना कोई और ही मकसद पूरा कर रहे हैं। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर छोड़कर अगर कोई जाएगा तो वो है कविता रायजादा, सुंदरी रायजादा या फिर उसका बेटा। नहीं, बेटे तुम दोनों भाई एक ही माहौल में पले बड़े हैं, फिर इतना फर्क क्यों हो गया? हाँ? एक भाई राम की मर्यादा निभाते नहीं थकता है। रावण जैसे काम करते हुए जरा भी शर्म नहीं करता है। कविता का एटीट्यूड देखता हूं तो उसे भी गलत नहीं कहता हूं। मां है वो, हर मां यही दुआ करती है कि भगवान अगर उसे दो बेटे दें तो राम और लक्ष्मण जैसे दें। हमारे दो बेटों के खून के रंग में भी फर्क नजर आने लगा है। बेटे, पापा प्लीज अपने आप को संभालिए, मैं आपके आंसू नहीं देख सकता, ना मां के भी आंसू। एक बेटे से अपने मां बाप के आंखों के आंसू देखे नहीं जाते और दूसरा अपनी मां की आंखों के आंसुओं का कारण बना हुआ है। बेटे, कविता ने तो तुम्हारे हिस्से का प्यार भी उसकी झोली में डाल दिया था। शायद उसके मन में डर था कि जो हालत अंतरिक्ष की बन चुकी है उसकी वजह से कहीं वो अकेला ना रह जाए। आज रुद्र के सामने मैं नजर नहीं उठा पा रहा था। वो जो भी कर रहा है कम से कम एक बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा है। और अंतरिक्ष,
उसे अपनी माँ की भावनाओं की रत्ती भर परवाह नहीं है। इतने घटिया काम किए हैं उसने, इतने घटिया काम किए उसने कि वो किसी भी माफी के काबिल नहीं है। बेटी, इतना सब कुछ करने के बावजूद इस घटिया एक्सप्लेनेशन के बाद किसी को तुमसे सहानुभूति होगी? बाय फुट, बाय फुट, बाय फुट, बाय फुट। तुम अपने गुनहगार को जो सजा देना चाहते हो, दे सकते हो। आज नहीं इनका कोई भाई है और ना ही इनकी कोई माँ है, ना इनका कोई बाप, 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 बाप। हम सारे इनसे रिश्ता तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ दीजिए मुझे। चलो, मुझे छोड़िए आप। छोड़ दीजिए मुझे। I said leave me alone। क्या कर रहे हो तुम? अपने ही हाथों से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्यों, किस लिए? क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? जब मेरे अपनों को मेरी परवाह नहीं है, मेरी अपनी माँ को मेरी परवाह नहीं है, मेरे अपने भाई को मेरी परवाह नहीं है, तो आप कौन होती मुझे रोकने वाली? अगर मैं चैन से जी नहीं सकता तो कम से कम मुझे चैन से मरने तो दीजिए। जिंदगी जीने के लिए होती है। ऐसी जिंदगी को अब जीना कहते हैं? अगर इस जिल्लत भरी जिंदगी को आप जीना कहते हैं तो नहीं जीना चाहता मैं। इस घर में हर इंसान मुझे गलत समझता है, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं समझता। किसी ने आज तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी सारी गलतियों के पीछे आखिर वजह क्या थी। जब निहारिका से मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा था मानो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। मैंने निहारिका से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, बेवफाई। और जब मैंने अपने अकेलेपन से समझौता करना शुरू ही किया था तो निहारिका रुद्र से शादी करके इस घर में वापस आ गई। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझसे, उसने मेरी शादी तोड़वा दी। सबके सामने उसने मुझे नामर्द कहा। तो क्या करता मैं? मैं निहारिका का बलात्कार नहीं करना चाहता था, उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। और फिर न जाने कितनी बार कितनी बेरहमी से रुद्र ने मुझे पीटा, मारा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने आप को ठीक से बचा भी नहीं पाया। क्या करता मैं? अपाहिज हूं मैं। इसलिए मुझे रुद्र से बदला लेने की उसे गुंडों से पिटवाना पड़ा। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। निहारिका और रुद्र की वजह से मुझे
बुरा बनना पड़ा। मेरे घर वाले, मेरे अपने, मेरी अपनी माँ, मेरा अपना भाई मुझे गलत समझता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल्ला, मैं मरना चाहता हूँ। बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो, तुम्हारे दिल में जितना भी गुस्सा है, तुम जो भी कहना चाहते हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मरने के बारे में सोचने तक नहीं दूंगी। जब मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे, तो आप मेरा साथ क्यों दे रहे? इस वक्त आप मुझे मेरी अपनी मां से बढ़कर लग रही। मां कभी सगिया पराई नहीं होती, मां से मां होती है। सोचने के लिए बचा ही नहीं है रुद्र। तुमने अपनी आंखों से देखा ना, तुम्हारी माँ ने अंतरिक्ष को अपने गले लगाया हुआ था, उसे खून दिया, उसकी जान बचाई। हर बात में अंतरिक्ष का पक्ष, हर बात में उसकी तरफदारी। रुद्र, चोट अंतरिक्ष को लगती है और आह तुम्हारी माँ के मुंह से निकलती। माँ, माँ, सब क्या हो रहा है? अंतरिक्ष के लिए आपके मन में इतनी ममता क्यों जाग रही? उसने आपके बेटे को जान से मारने की कोशिश की और आप उसे गले लगा रही थी? कब, कहां, क्यों, कैसे? तुम मुझे हमेशा सवालों के घेरे में क्यों खड़ा करते हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारी मां सब कुछ सहन कर सकती है, पर तुम उस पर शक करो, उस पर अविश्वास दिखाओ, कि वो कभी सहन नहीं कर पाएगी। मां, बार बार आप ही तो यह मौका मुझे देती हैं। कैसा मौका? क्या किया है मैंने? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें बड़ा करने में लगा दी। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। दुनिया की हर खुशी, हर सुख तुम्हारे लिए बटोरने की कोशिश की मैंने, पर लगता है कि अब तुम वो सब कुछ भूल गए हो। मेरे प्यार पर सवाल या निशान मत लगाओ। सुना था कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, पर मुझे अपने रुद्र पर पूरा विश्वास था। मां, आपका बेटा नहीं बदला, बदली हुई तो आप नजर आ रही हैं मुझे। लेकिन मां, एक बात आप सुन लीजिए, ना तो मैं आंखों देखी बात को झुठला सकता हूं और ना ही कानों सुनी बात को नकार सकता हूं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपकी ममता का हकदार कौन है, मैं या वो अंतरिक्ष। अच्छा वारुण, अच्छा हुआ जो आज तुम अपनी मां की बातों में नहीं। वो हर बार तुम्हें अपनी ममता का वास्ता देकर अपनी बातों में उलझा लेती। देखो निहारिका, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को आगे बढ़ाओ। रुद्र, मैं बात आगे कहाँ बढ़ा रही? बात तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है। मैं तो कब से तुम्हें सच, यह हम माँ बेटे के बीच की बात है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। जानता हूं तुमने माँ के बारे में एक राय बना रखी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मैं भी तुम्हारी राय से सहमत हूं। निहारिका, इतना आसान नहीं है रुद्र को उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना।
काम मुश्किल तो है, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। कैसे विश्वास दिलाऊं रुद्र को कि जिस माँ की वो इतनी भक्ति करता है वो भक्ति के लायक ही नहीं। कैसे सिखाऊं दुनिया वालों को अपनी सास का असली चेहरा। अंतरिक्ष तो किसी काम का नहीं, यूं ही छोटी मोटी बाजी खेलने की कोशिश करता रहता है, उसके तो बस में ही नहीं। लेकिन मम्मी जी बहुत ऊंची खिलाड़ी है, ऐसा वार करती है कि चोट तो बहुत गहरी लग रही, पर वार कैसे हुआ कब वक्त कुछ पता नहीं लगने देती। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं आज यहां आप लोगों से माफी मांगने आया हूं। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे और मेरे घर वालों को माफ कर देना। वेदिका की लाख मना करने के बावजूद भी मैंने अंतरिक्ष भैया का साथ दिया, और वैसे मुझे बहुत दुख है जब से आप लोग इस घर में आए हैं तब से आपके साथ हमेशा गलत हुआ है। घर के एक सदस्य की वजह से आपको हमेशा परेशानी उठानी पड़ी है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। ध्रुव हम सगे भाई नहीं है, पर आज तुमने सगे भाई सहित फर्ज निभाया है। मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी चाहता है कि अपने इस छोटे भाई का गले लगाकर शुक्रिया अदा करूं। वैसे भी ध्रुव देखो ना, हम दोनों कितने एक जैसे हैं। हम दोनों की जिंदगी का मकसद भी एक सा है, हमारा परिवार, हमारे परिवार की भलाई। तुम अपनी माँ का दुख देख नहीं सकते और मैं अपनी माँ की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता। काश हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया होता तो आज हमारे बीच इतनी दूरियां, इतने फासले ना होते। रुद्र ध्रुव तो किस्मत वाला है क्योंकि उसकी माँ उसकी भक्ति के काबिल है, लेकिन तुम्हारी माँ की ममता में खोट है और उनका वो असली रूप मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी।